बाबा जिसमें पधारा है, पधरामणि किया है या अवतार लिया है, वो खुद बाप कहते हैं मैं इनके बौद्ध जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में है। तो मैं उधर बापा के समझाते ये बातें कि देखो मैं मनुष्य झाड़ का, मनुष्य सृष्टि का हो बदले, मनुष्य मात्र का जो झाड़ है उसका बीज हूं। तो बड़े बड़े जो चैतन्य फिर है उसके क्रिएशन, जैसे झाड़ की भी बीज से क्रिएशन होती है ना बच्चे, तो बीज जो है वो क्रिएशन में फलता है ना, वो बीज है वो क्रिएशन है, उनमें ताजे आम बंद करते हैं। और वो तो बच्चे जानते हो कि उसका जो भी आम का बीज जो कोयला होते हैं उसको ढालने से फिर आम बंद निकल आते हैं। तो जो जो भी बीज डालते हो उसका ताजे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो मनुष्य का भी बीज उससे भी जो कोई फलताज मनुष्य है, इसीलिए इसको मनुष्य का बीज। और जो जो भी अनेक प्रकार के बीज है वह अज्ञा, तो तुम बच्चों को मालूम है बरोबर कि पहले पहले ही बीज उनकी कितनी महिमा है। देखो कि मनुष्य है, चेतन है, तो मूल बात यह हुई कि हमको अपने में दैवी गुण धारण करना है, किसको देख कर करके। तो ज्ञान की नदी भी है तो युगल है, ज्ञान का पुरुष भी है, ऐसे कहेंगे ना बच्चे। इसलिए देखो इनकी बड़ी नंदी है, तो तुम बच्चों को मालूम है ये बात समझाते हैं। बड़ी नंदी है ब्रह्मपुत्री, जो कलकत्ते के तरफ से सागर में मिलती है एकदम अच्छा, मेला भी वहीं लगती है। तो नाम तो ब्रह्मपुत्री रखी हुई है नहीं है, तो है तो पुत्री है नहीं बाप की। अब ये ब्रह्म जो कहते हैं नहीं, ब्रह्म तो इन्होंने ईश्वर को कह दिया हुआ है, तो ईश्वर को कहने के कारण ब्रह्मपुत्री को तो देखो कितना पावन समझते हैं। कोई पूछे कि बोला बड़ी नदी सबसे कौन है, नदियों में तो बड़ी नदी जो होगी पर्वत भी बड़ा वो होगा नहीं। तो वास्तव में लामूजिब अगर जब पुत्री बड़ी रखते हैं पतित पावन, तो गंगा को नहीं कहा जाए फिर ब्रह्मपुत्री को कहा जाए, क्योंकि मेला उनका है सागर के साथ संगम पर। देखो ये भी सागर और ब्रह्मा की पुत्री माता कहते हैं, बाबा नहीं कहते, मैं फीमेल हूं बाबा की, जिस द्वारा ये दक्षिण होती है इतनी। तो ये बहुत गुज बात है बच्ची, जो समझाते हैं जास्ती वो समझते हैं जास्ती, समझाने में भी तो मैं कहा देखो आज समझाते हैं कल बाबा को छोड़ दिया भागल के हो गए समझ सारी चट। तो बाप बैठे के सारा राज समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारा राज समझना चाहिए अच्छी तरह से, और फिर धारा पक्की कैसे हो जावे, कोई वो चीज को पक्का करते हैं ना कूट कूट कर करके। तो बाप तो समझाते हैं ना मीठे बच्चों को, बच्चे जो भी महारथी भी जिनको समझते हैं नहीं, अभी नाम तो नहीं लेंगे नहीं बाबा, बच्चे समझते हैं महारथी या सेंटर्स में कौन कौन है, किसका नाम वाला है बताओ। वो भी महारथियों को भी अगर कोई अहंकार आ गया, अवज्ञा कर दी सिखलाने वालों की, तो भी गुम हो जाएंगे ज्ञान, ज्ञान गुम हो जाएंगे तो फिर खराब ख्याल आएंगे, सारा खराब ख्याल पे खराब बना ही देते हैं। तो सारा रात बाप समझाते रहते हैं, समझाते रहेंगे, अभी बहुत समय पड़ा हुआ है, और देखते रहेंगे सभी सेंटर्स के प्रजापिता बृंदा मुख वंशावली सर्वसेबल रुमानी सर्वसेबल बच्चों पे रुमानी बाप और दादा का दिव्य ज्ञान से प्रेम से आज गुरुवार के दिन नंबरवार पुरुषा संसार याद प्यार गुड मॉर्निंग मुझे मुझे सीखने के बच्चों पे रुमानी बाप और दादा का दिव्य ज्ञान से प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग मीठे मीठे सिकंदर जगवानी बच्चों पे दुवानी बाप के नाम।